आपने डॉग बाइट के कई मामले देखे होंगे, लेकिन जो मामला अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अनोखा है। हो सकता है कि इसके पहले आपको ऐसा मामला कभी दिखाई या सुनाई ना पड़ा। छत्तीसगढ़ के गांव में किसी को डॉग ने काटा नहीं, उसके बावजूद पूरा गांव चेहरे पर शिकन लिए अस्पताल में मेले लगाए बैठा और रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहा है। छोटे से बड़ा, बुजुर्ग से महिलाएं, हर कोई रेबीज की वैक्सीन ले रही है। हर जुबान पर चर्चा रेबीज की है। और खास बात यह है कि डॉग ने किसी को नहीं काटा, उसके बावजूद इंजेक्शन लिया जा रहा है। तो मामला क्या है? मामला है छत्तीसगढ़ के इस गांव में दो गायों की मौत का। गाय जब तक जिंदा थी पूरा गांव दूध पीता था। गांव में सत्यनारायण की कथा हुई तो वहां पर भी गाय के दूध का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गाय की मौत के कुछ दिन बाद पता चला कि जो गाय मर गई उनकी मौत का जिम्मेदार कुत्ता है, क्योंकि गाय को डॉग ने काटा और गाय की मौत हो गई। जैसे ही बात गांव वालों को पता चली, सबके पैर तले जमीन खिसकी, गांव के हर चेहरे पर टेंशन आ गई। और अब गाय की मौत डॉग के काटने से हुई थी और गांव वालों ने उसी गाय का दूध पिया था, प्रसाद खाया था, तो गांव वाले डर गए और पूरे गांव में बात यह फैली कि रेबीज हो सकता है, जिसके बाद गांव में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की लाइन लग गई थी। उस समय पहले जो पूजा हुआ था सत्यनारायण का, उसमें जो कच्चा दूध यूज हुआ, जो कि पागल कुत्ता गाय को काटा था, उसी गाय के दूध से प्रसाद बना था। तो फिर यहाँ थोड़ा दहशत का माहौल है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, तो आप वैक्सीन लगवाए बोल के। तो उसको फिर मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को बताया गया, तो वहां से मुझे निर्देश प्राप्त हुआ कि आकर वैक्सीनेशन किया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों को समझाया है आखिरकार कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सभी को वैक्सीन लगाई गई। और खास बात यह है कि गाय मालिक चुपचाप पहले ही अस्पताल जाकर के वैक्सीन लेकर के आ चुका था। और बात एक ऐसी खबर की जो कि जानना पहचानना समझना बहुत जरूरी है, बात बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को लेकर। हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। जंगल और जमीन पर अवैध बांग्लादेशी के कब्जे के खिलाफ हम एक मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम की पहली किश्त में आपको हमने झारखंड के पाकुड़ की तस्वीरें दिखाई थी, जहां आदिवासी परिवार की जमीन पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने कब्जा किया। और इसी कड़ी में आज हम आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों की खास मॉडस ऑपरेंडी बताने जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए लव जिहाद के जरिए लैंड जिहाद तक पहुंच रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, आदिवासियों को मिलने वाले सरकारी लाभ का फायदा उठाते हैं। लड़कियों से शादी करके मुस्लिम युवा उनके नाम नहीं बदलते हैं ताकि सरकारी जो लाभ है वो मिलता रहे। और इस सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाले फंसाते हैं, शादी करते हैं। झारखंड में साजिश को नाम दे दिया गया, वो नाम है जमाई टोला। वैसे तो जमाई टोला जैसी कोई जगह कागजों में नहीं है, लेकिन यहां के स्थानीय इन शब्दों से भली भांति वाकिफ है। जी न्यूज की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमाई टोला वाली साजिश का खुलासा किया और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। देखिए सर, लव जिहाद के जरिए लैंड जिहाद की बड़ी साजिश चल रही है। इस साजिश को स्थानीय लोग जमाई जिहाद कहते हैं। झारखंड के संथाल परगना में ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें जमाई टोला कहा जाता है। जमाई टोला यानी वो इलाके जहां बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों को फंसाकर परिवार के जमाई बनते हैं। ये मुस्लिम युवा आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण नहीं करते, बल्कि ये लोग लड़कियों के आदिवासी स्टेटस का फायदा उठाते हैं। आपको संथाल परगना में जमाई टोला का कोई बोर्ड तो नहीं दिखेगा, लेकिन साहिबगंज का बरेहट में एक मोहल्ले को लोग इसी नाम से जानते हैं। ये है बरेहट के गोपालाडीह की मुखिया सुनीता टुडू। सुनीता टुडू आदिवासी समाज से हैं। इनका सारा कामकाज इनके पति शमशुल अंसारी देखते हैं। शमशुल ने अपने दोनों बच्चों को तो मुस्लिम बना दिया है, लेकिन पत्नी का धर्म नहीं बदला, क्योंकि आदिवासी लाभ पत्नी से ही मिलना था। मेरा नाम सुनीता टुडू। बच्चे का नाम क्या है? बेटा का नाम है सोहेल अंसारी और बेटी का नाम है सोहेना परवीन। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुआ था 2010 में। जी मेरा नाम शमशुल अंसारी। हम तो पहले ही शादी कर चुके थे, अब लोगों का दबाव हुआ कि नहीं आप जो है चुनाव में आइए,
तो जिसके चलते हम चुनाव में इस्तीफा दिलवा के आ गए। इलाके में राजनीतिक दबदबा बना रहे इसके लिए शमशुल ने जेएमएम में भी अपनी पैठ बना ली। इसी तरह का एक किस्सा मोनिका हंसदा और उनके पति मोहम्मद आजाद अंसारी का भी है। आजाद अंसारी ने पत्नी का नाम मोनिका से बदलकर सकीना हंसदा तो कर दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला, जबकि अपने दोनों बच्चों का नाम आजाद अंसारी ने मुस्लिम ही रखा। मेरा नाम सलीना हंसदा है। आप लोगों का लव मैरिज था क्या? हाँ, लव मैरिज था। लव मैरिज कब शादी हुई आपकी? 10 साल हो गया। 10 साल। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। क्या नाम है बच्चों का? इमरान, आयत। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहुबल क्षेत्र है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का, क्योंकि यहाँ पर एसटी कम मात्रा में है। भगवान की तरफ से, गॉड अल्लाह की तरफ से जब इस तरह का मौका मिला है हमको कि पंचायत चुनाव हमारी पत्नी उस रिजर्व सीट में आती है, संविधान हमको अधिकार दे रहा है लड़ने के लिए, फंड बहुत सारा फंड आ रहा था। 31 साल की मरियम मरांडी आदिवासी, लेकिन उनके पति का नाम है मोहम्मद अब्दुल शमीम, बेटे का नाम है मोहम्मद शाहिद और बेटी का नाम है सीमा खातून, लेकिन मरियम मरांडी मरियम मरांडी ही रही। ये मरियम मरांडी का चुनावी शपथ पत्र है। अब्दुल से निकाह के बाद भी मरियम मरांडी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ती। आदिवासियों के बीच ये परंपरा रही है कि लड़की की शादी के बाद उसकी जमीन पर उसके पति का अधिकार हो जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और स्थानीय मुस्लिम इसी का फायदा उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संथाल में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो इसी काम में लगा है। वो आदिवासी लड़कियों को चुनते हैं और उनको मुस्लिम युवाओं के चंगुल में फंसवाते हैं। हमारे पीछे जो सड़क जा रही है यही जाती है जमाई टोला। जमाई टोला का मतलब होता है कि कोई मुसलमान अगर किसी संथाली या आदिवासी से शादी करता है तो वो जमाई होता है और फिर वो अपनी पत्नी के परिवार में रहता है, इसलिए जमाई टोला। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, बरेहट, साहिबगंज। जी न्यूज़।